हेलो गाइस, दिस साइड टू साइड ई-स्पोर्ट एंड ई-स्पोर्ट की इस दुनिया में सबका स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्नाइपर गॉड पहाड़ी की दो ऐसी क्लिप दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने ना सिर्फ अकेले दम पे बोया लिया बल्कि अपनी स्नाइपिंग स्किल के दम पे पूरी लॉबी डोमिनेट किया। एंड गाइस, अगर आप ई-स्पोर्ट को प्यार करते हो या फिर अगर आप ई-स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये दो क्लिप एंड तक जरूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जिस समय फ्री फायर बैन है इसके बावजूद भी तेलंगाना हम सब अंडर टीम के लिए एक वर्चुअल टूर्नामेंट लेके आया है जिसका प्राइस पूल है 45,000 INR। एंड गाइस, आप इस टूर्नामेंट में रजिस्टर करके ना सिर्फ इस टूर्नामेंट को जीत सकते हो बल्कि टीम एंड टीम के अगेंस्ट अपना फायर पावर और अपना गेम प्ले दिखा सकते हो। तो फिर देर किस बात की, मैं उनके डीसी सर्वर का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां पर जाके इस टूर्नामेंट में रजिस्टर कर सकते हो। सो गाइस, अब आप वो क्लिप देखिए जिसमें पहाड़ी भाई ने अपना डोमिनेशन गेम प्ले स्नाइपर की मदद से दिखाया था। ओजी की टीम बहुत ही शानदार खेलती हुई सीधे मॉट डाउन हो चुके हैं, ओल्ड मंक फिनिश ऑफ हो चुके हैं, भगवान एंड पहाड़ी दोनों के दोनों प्लेयर ब्लू जोन का डैमेज लेते हुए सर्कल के अंदर घुसते जा रहे हैं और पांचवें पायदान पे, जैसा कि मैं बात कर रहा था, वाइटैलिटी फाइनली फिनिश हो चुके हैं। ओजी पहाड़ी लास्ट मैन स्टैंडिंग 6 किल्स पे खेल रहे हैं, लुकिंग कॉन्फिडेंट। क्या यहाँ पे पहाड़ी क्लच कर पाएंगे, बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन बट यहाँ पे क्लच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किल्स चाहिए थे हंट, ओजी ने आपकी बात सुनी, ओजी को अंदाजा आ गया और वैसे भी स्ट्रैटेजाइज इन्होंने कर ही लिया होगा। किल्स की यहाँ पे डिमांड जो थी वो पूरी कर ली है, लेकिन अब डिमांड अगली डिमांड है इनको बुया की, बुया के पॉइंट्स चाहिए इन्हें। देखते हैं, आंटी रोशन को स्पॉट किया, बैक टू बैक शॉट देने की कोशिश, कनेक्ट होता है, एक और किल इनके खाते में आएगा, लेकिन ब्लाइंड को भी पता चल चुका है दैट देयर इज अ प्लेयर कमिंग इनसाइड। बहुत ज्यादा मुश्किल फ्रॉलिक ईस्पोर्ट्स और ओजी पहाड़ी, क्योंकि सीनियर प्लेयर बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, मुझे लगता है कर देंगे। एनिग्मा गैलेक्सी को एलिमिनेट कर दिया है, ओजी पहाड़ी इज ऑन अ रोल। 1v2v2 की सिचुएशन, पहाड़ी को मुझे लगता है फ्रॉलिक ईस्पोर्ट्स को कच्ची को डाउन कर दिया है और फिनिश कर दिया है, सिहाब को भी फिनिश कर दिया है, नहीं माफी चाहूंगा अबिन ने डाउन किया है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी टॉस ऑल गम, पहाड़ी पहाड़ी टेक वन प्लेयर डाउन, 1v1 की सिचुएशन, व्हाट जस्ट हैपेंड, पहाड़ी ओजी पहाड़ी ओपन द चैट, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्लच यहाँ पे, पहाड़ी घुसते जा रहे थे सर्कल के अंदर और हर जगह किल्स निकाल रहे थे, बोले एसी गेमिंग के साथ, और पहाड़ी भी यहाँ पर फायदा उठा रहे, किल्स यहाँ पर निकाल रहे हैं और उन्होंने निकाला भी है। अगर आप देखेंगे 5 किलो उन्होंने अपनी टीम के लिए बटोर दिए हैं, टीम नंबर 4 सामने की तरफ, ग्लू वॉल यहाँ पर खत्म हो चुकी है पहाड़ी के पास और आई थिंक उनकी वूको की एबिलिटी भी यहाँ पर फिनिश हो चुकी है, लेकिन टीम नंबर 4 एंड टीम नंबर 7 एक दूसरे के साथ फाइट लेने में बिजी है, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि पहाड़ी भी स्टिल टीम के अंदर बने हुए हैं और एमिट के साथ यहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और बखूबी यहाँ पर किल्स निकाले जा रहे हैं पहाड़ी की तरफ से, अगर ये क्लच हो जाता है जो किए पहाड़ी एमिट के जो शॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं।